अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो ये है जी दिन 43 और बुरहान जो है ना वो काफ़ी बीमार हुआ है आजकल। सो आजकल लाइफ कुछ ऐसी चल रही है कि कभी बुरहान बीमार हो जाता है, कभी पापा बीमार हो जाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है। खैर ज़िंदगी है तो ये साथ साथ चलती रहेगी और ऐसे ही चलनी है। क्या ये ज़िंदगी है तो ताजड़ा होता रहता है, लेकिन हंस के जो है उन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जैसे ये बुरहान हंसता है, हर छोटी सी बात पे ये स्माइल करते हैं, तो इस पर और ज़्यादा प्यार आता है। नेबुलाइजर का मैं आपको बता दूं कि क्या है कि जब बच्चों को खांसी हो जाती है और आप चाहते हैं कि उनको ज़्यादा मेडिसिन आप करते हैं, तो नेबुलाइजर उसको करें दिन में जो है वो 3 मरतबा। हम लोग मुश्किल से इसको जो है ना वो दिन में 2 बार कर पाते हैं, क्योंकि ये करवाता ही नहीं। खैर जब इसका मूड होता है खेलने का तो बहुत ज़्यादा खेलता है और बहुत हंसता है और खिल खिलाता है। ये आज किसने कपड़े लेके दिया आपको इतने पाले? अभी देख रहे हैं मेडिसिन खा के। बुरहान को इतना त्याशय करवाया इसलिए था कि इसने ना जाना था अपने घर वापस, लेकिन देन प्लान चेंज हो गया। और क्योंकि कल संडे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कल जाए, और अभी रापी का भी यही प्लान था कि चलो एक दिन और सही। जैसे वो कैदी होते ना, कैदी को कहते होते हैं कि एक दिन की जो है वो मोहलत और सही, ये वो वाला हिसाब होता है इसका जब भी ये आती है हमारे घर। अच्छा मेरा ना एक तो मेरा जो कवर था वो काफ़ी पुराना हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा उसको पेंट करें, तो एक्रेलिक कलर्स पड़े हुए थे मेरे पास, तो उनको मैंने पेंट किया। समझ नहीं आ रहा था क्या पेंट करूं, और मुझे एंड तक अभी तक नहीं समझ आया कि क्या पेंट करूं। इसी बीच में जो ना अगला दिन स्टार्ट हो गया था यानी कि संडे, और आज के दिन जो है ना सबसे पहले तो अम्मी ने ये सोचा कि क्यों ना पालक वाले जो है वो सॉरी साग वाले पराठे बनाए जाएँ। तो उसको भूनने के लिए आटा लिया, बेसन लिया है, सारे स्पाइसेस लिए हैं, ऑयल डाला है, साथ में साग डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से करके ना तो भून देना है। और ये इतना अच्छा मेरी अम्मी आटा गूंथती है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब मुझे नहीं आता अभी तक इतना अच्छा गूंदा ये गूंथती है। इसके साथ साथ आलू वाले पराठे थे, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो आलू वाले पराठे पसंद हैं, कुछ को साग वाले पसंद हैं, और साथ साथ कुछ को जो है वो ब्रेड भी खानी है और कुछ को सारा कुछ खाना है। तो इस वजह से सब कुछ जो है वो संडे को तैयार हो गया और टेबल के ऊपर जो है ना सब कुछ चला जाएगा। फिर जिसका जो दिल करेगा वो खा ले, और जिसका जो दिल करता है मिक्स करके खा ले, जैसा दिल करता है वैसे खा ले, और बेसिकली सारे मिक्स करके खा रहे होते हैं। और जी एक और संडे सुबह से जो है वो दोपहर हो गई है, और स्टिल जो है वो मेरी रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही। ऑलमोस्ट 2 वीक्स की मेरी रूटीन जो है वो ना सेट हो ही नहीं पा रही है। थेरेपी का है जी आज आखिरी दिन, और उन्होंने तो चले जाना है आज, तो इस वजह से जो ना उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे पास्ता खाना है। पास्ता नहीं, बेसिकली मैक्रोनी है ये, और मैक्रोनी को ना सारी सब्जियों के साथ जो है ना सब्जियों, क्या मेरी जीम निकल रही है सब्जियों में, सब्जियों को जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है बॉईल कर लेना है, ठीक है? अगर आपको ऐसे पसंद है तो, वरना आप जिस तरीके से बनाते हैं वैसे बना ले, कोई मसला नहीं है। और चिकन को सेपरेटली जो है ना वो कर लें हम लोग फ्राई। और मुझे लगता है आज एक और ब्लॉग जो है ना वो क्यू में लग जाए, क्योंकि 3 दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो अपलोड नहीं हो पा रही है। मुझे नहीं समझ आती इस नेट का ऐसा कौन सा मसला है जो मेरे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। वैसे मैं दिल में सोच रही थी कि अब भाभी जा रही हैं, बुरहान जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, फ्री टाइम मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ना मुझे ये भी पता है कि बहुत उदासी होने वाली है 2-3 दिन तक लगातार, क्योंकि एक जो आदत हो जाती है ना आपको वो भी फिर 2 वीक्स जो है वो कंटिन्यूसली, और देन वो जो है वो एक बंदा स्पेशली वाला जिसके साथ इतनी आपकी आदत बन चुकी हो बुरहान यानी कि, और बच्चों के साथ तो वैसे भी इतनी अटैचमेंट हो जाती है, और जब वो चले जाते हैं ना तो वाकई बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। लेकिन उनके काम भी होते हैं, लेकिन आप वो काम करके भी खुश हो रहे होते हो कि जी चलो कोई नहीं खैर है, इनके नहीं काम करने तो फिर किसके काम करने हैं। जो बीन्स कैरेट एंड पोटैटोज थे ना वो मैंने मैक्रोनी के साथ बॉईल कर लिए थे, लेकिन जो थी कैबेज वो क्योंकि बॉईल अच्छी नहीं लगती है, जायका भी उसका ठीक सही नहीं होता, तो उसको जो है ना वो चिकन के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया है, कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं डाला, सिर्फ जो तिक्का मसाला घर में पड़ा हुआ था ना नेचुरल का वो मैंने इसके अंदर डाला, और देन जो है वो थोड़ा सा सिरका डाला था, और मायोनीज और केचप तो मस्ट है ना वो आप डाल लें, एंड दैट्स इट, आपकी जो है वो मज़ेदार सी एक मैक्रोनी जो है वो रेडी हो जाती है। और ये अपना सारा साजो सामान पैक कर रही हैं जंग पे जाने के लिए, और उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था कि मैं सुकून से तसल्ली से बैठ के खाऊं, तो मैंने खाया है और शुक्र अल्लाह का किया है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून ना मुझे लगता है कि नहीं होना कभी भी। खैर
पेपर्स थे काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए चेक करने वाले, तो वो मैं चेक कर रही थी साथ साथ, सॉन्ग सुन रही थी और साथ साथ जो है ना वो देख रही थी कि अभी कपड़े उठाने वाले पड़े हुए जो धोए थे। सो जी निकले हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।